अक्सर हमारे घरों में ना चावल बन जाते हैं, चाहे अनचाहे में बहुत चावल बच जाते हैं, जिसे हम खाते हैं और कई बार हम फेंक देते हैं। तो ये रेसिपी के देखने के बाद आप कभी नहीं चावल फेंकेंगे, बल्कि रोज थोड़ा थोड़ा करके चावल बचाएंगे कि ये सब रेसिपी बना लेने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फौजीज हेल्दी रसोई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ले लिए बची हुई चावल, जो कि बासी चावल है। आप चाहे तो मतलब सुबह का चावल में भी दोपहर में बना सकते हैं। ये रेसिपी इतना टेस्टी, इतना बढ़िया है। इसके लिए हमने थोड़ा सा सब्जी ले लिए, जैसे कि शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, टमाटो, प्याज और हरी मिर्ची। आप चाहे तो गाजर मटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं था इसलिए मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ। तो फिर कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, ज्यादा तेल नहीं डालेंगे, क्योंकि हम सभी हेल्दी रहना चाहते हैं। हम अगर चाहेंगे ना हेल्दी रहना, तो बहुत आसानी से हेल्दी रहना मतलब हेल्दी रह सकते हैं। तो थोड़ा सा तेल डाल के, तेल गर्म होने के बाद हम वहाँ पे डालेंगे कटी हुई प्याज, टमाटर, हरी मिर्च को थोड़ा सा भून के फिर हम उसमें डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ पत्ता गोभी। पत्ता गोभी का जो कॉम्बिनेशन और शिमला मिर्च के साथ बहुत ही बढ़िया है, मतलब बहुत ही टेस्टी है। तो यहाँ पे पत्ता गोभी को हमको पूरा ना मतलब 100% कुक नहीं करेंगे इस रेसिपी में। पत्ता गोभी शिमला मिर्च थोड़ा सा 80% कुक होगा, थोड़ा सा कच्चा रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा जो मतलब जो क्रंचीनेस है ना, वो बहुत ही बढ़िया लगता है। ये रेसिपी मैंने पहली बार खाई थी साउथ की एक दीदी के पास से, वो कि साउथ इंडियन के है, क्योंकि साउथ इंडिया में बहुत चावल खाए जाते हैं, कई तरह के चावल बनाते हैं। तो बातों बातों में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सब्जी भी पक चुका है थोड़ा सा, फिर इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च, जो इसका टेस्ट को, इस रेसिपी का टेस्ट को डबल करेगा। तो शिमला मिर्च को भी हम थोड़ा सा इसमें फ्राई नहीं करेंगे, थोड़ा सा पकाएंगे। तो सारी सब्जी मतलब 50% कुक हो चुका है। अभी इसमें हम डालेंगे चावल, जो कि बची हुई चावल है। आप चाहे तो मतलब तभी चावल बना के तब भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी है। इसको बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। अगर आप थोड़ा बिजी में है, थोड़ा काम पे जाते हैं, टाइम नहीं ज्यादा मिलता है, हाँ, तो आप इस रेसिपी को बना के गर्मा गर्म साथ कीजिए, गर्मा गर्म खाइए। कोई सब्जी नहीं चाहिए, थोड़ा सा अचार या ऐसे ही आप खा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चावल में सब्जी मिक्स करके मैं यहाँ पे डाल दिया 2 टीस्पून जो होता है ना चाय वाला चम्मच, उसमें सोया सॉस ले लिए है। फिर सोया सॉस डालने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे 2 टीस्पून मतलब चिली सॉस। आप चाहे तो चिली सॉस कॉर्न भी डाल सकते हैं, आप जैसे तीखा खाते हैं तो ऐसे ही डालेंगे। फिर लास्ट में हम डालेंगे विनीगर। विनीगर मैं यहाँ पे 1 टीस्पून डाल रही हूँ, क्योंकि विनीगर में ज्यादा खट्टास है। आप अपना अनुसार, स्वाद अनुसार सॉसेस वगैरह डाल लीजिएगा। फिर हम लास्ट में डालेंगे नमक, वो भी स्वाद अनुसार। दोस्तों, ध्यान देने की बात एक है, सब्जी में पहले मैं नमक नहीं डाली थी, लास्ट में ही हम नमक डालेंगे, क्योंकि हम पहले ही सब्जी में नमक डाल देते हैं ना, सब्जी पूरा उसका पानी छोड़ देता है, ओवर कुक हो जाता है। तो सारे सॉसेज, नमक और चावल को हम मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो देख के अभी खाने का मन कर रहा है, लेकिन थोड़ी टाइम रुक जाती हूँ, बाद में तो खाना ही है, कहाँ जाएगा ये खाना। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरा हमने साफ करने के लिए रेडी है। अब चाहे तो किसी भी स्नैक्स के साथ या अचार के साथ, नहीं तो थोड़ा सा सैलड काटिए, फिर इसको गर्मा गर्म साफ कीजिए, एक बार टेस्ट कीजिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगेगा। ये यूनिक रेसिपी है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब।